जैसा कि हमने कल सामाजिक शोध के परिचय के संबंध में उसके अर्थ, उसकी परिभाषाएं और उसके विभिन्न प्रकार और उसके उद्देश्यों पर चर्चा की, आज बात करते हैं सामाजिक शोध की पद्धतियों के ऊपर। जैसा हम सब जानते हैं, सामाजिक शोध सामाजिक घटनाओं और सामाजिक समस्याओं से संबंधित होते हैं। सामाजिक शोध की प्रकृति वैज्ञानिक होती है और इसी कारण ये किसी एक विशेष उद्देश्य के आधार पर इसका निर्माण होता है। पद्धति के चुनाव में अध्ययन पद्धति की प्रकृति, क्षेत्र और अध्ययन का उद्देश्य महत्वपूर्ण होते हैं और इन्हीं आधारों पर हम सामाजिक शोध को निम्न भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला होता है गुणात्मक पद्धति या क्वालिटेटिव मेथड। सामाजिक घटनाओं की प्रकृति ही कुछ इस प्रकार होती है कि इसे गुणात्मक आधार पर ही समझा जा सकता है। संक्षेप में, गुणात्मक पद्धति या विधि वह है जिसमें सामाजिक घटनाओं का अध्ययन गुणों के आधार पर किया जाता है। इस पद्धति में तर्क शास्त्र का सहारा लिया जाता है और आगमन इंड्यूटिव और निगमन डिड्यूटिव पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। समाज में प्रेम, स्नेह, दाम्पत्य सुख, अंधविश्वास आदि ऐसी घटनाएं हैं जिनके माप ना हो सकने के कारण गुणात्मक पद्धति का ही सहारा लिया जाता है। गुणात्मक पद्धति के कुछ स्वरूप हैं जिनमें साक्षात्कार पद्धति है, व्यक्तिक अध्ययन पद्धति है और अव्यक्तिक अध्ययन पद्धति यानी कि ऑब्जर्वेशन मेथड है। दूसरे आती है बात गणनात्मक पद्धति की या क्वांटिटेटिव मेथड की। इस पद्धति में परिणामों या संख्याओं, संख्यात्मक पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। इन पद्धतियों का प्रयोग सिर्फ वही किया जा सकता है जहाँ सामाजिक तथ्य का वर्णन संख्याओं में हो। यह सामाजिक शोध की वह पद्धति या विधि है जिसमें घटनाओं को संख्यात्मक दृष्टि से नापा जाता है। गुणात्मक पद्धति मानवीय विचार, भावनाओं, मत आदि को नापने का प्रयास करती है। गणात्मक पद्धति को मुख्य रूप से निम्न दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है प्रत्यक्ष माप। इसमें सांख्यिकीय पद्धति का प्रयोग किया जाता है। परिवार के आकार का पता लगाना, जनसंख्या में स्त्री पुरुषों का अनुपात, कॉलेज में विद्यार्थियों की विभिन्न श्रेणियों को बांटना आदि सम्मिलित होता है। दूसरा होता है अप्रत्यक्ष माप। अनेक घटनाओं को मापा नहीं जा सकता। इनके अध्ययन के लिए कुछ पैमाने निश्चित होते हैं, जैसे समाजमितिक के पैमाने, सोशियोमेट्रिक स्केल। इनके माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से घटनाओं को माप की जाती है। तीसरी है सर्वेक्षण पद्धति या सर्वे मेथड। इस पद्धति के अंतर्गत सर्वेक्षण करने वाले व्यक्ति सामाजिक घटनाओं और सामाजिक समस्याओं का सर्वेक्षण करता है और अपने सर्वेक्षण के आधार पर तथ्यों को संग्रहित करता है। फोर्थ है इसमें सामाजिक क्षेत्र अध्ययन पद्धति यानी कि सोशल फील्ड स्टडी मेथड। इस पद्धति के अंतर्गत सामाजिक शोधकर्ता स्वयं क्षेत्र में जाता है, घटनाओं का अवलोकन करता है अर्थात उसका ऑब्जर्वेशन करता है और अपने अवलोकन के आधार पर डेटा को कलेक्ट करता है, तथ्यों को संग्रह करता है। जैसे जैसे सामाजिक घटना अधिक गतिशील होती है, इस अध्ययन प्रणाली का महत्व बढ़ता जाता है। पांचवा पद्धति है पुस्तकालय पद्धति या लाइब्रेरी मेथड। इस पद्धति के द्वारा शोधकर्ता पुस्तकालय में जाता है और वहाँ पर उपलब्ध प्रकाशित व अप्रकाशित पुस्तकें, लेख, पत्र पत्रिकाओं आदि का अध्ययन करता है और अपनी समस्या विषय के संबंध में स्वयं निष्कर्ष निकालता है। इस प्रकार का अध्ययन तभी संभव हो पाता है जबकि पुस्तकालय में पर्याप्त मात्रा में साहित्य उपलब्ध हो। जो अनुसंधानकर्ता इस पद्धति का प्रयोग करता है वे ही शोध से पहले पुस्तकालय का सहारा लेता है और ऐसे करने
से वे अध्ययन में आने वाली समस्याओं को पहले से ही समाधान निकालने में सहायक हो जाता है। सिक्स या छठी एक्सपेरिमेंटल मेथड या प्रयोगात्मक पद्धति। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इस पद्धति में प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के प्रयोग भौतिक विज्ञान में किए जाते हैं। इस पद्धति में सामाजिक शोधकर्ता सामाजिक घटनाओं को अपने नियंत्रण में रखता है और इस नियंत्रण द्वारा घटनाओं पर प्रयोग करता है। इतना सत्य है कि भौतिक वस्तुओं की भांति मनुष्य और समाज को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, फिर भी ऐसा प्रयास किया जाता है और इन पर का बाहरी घटनाओं का प्रभाव ना रहे। समाजशास्त्र की प्रयोगशाला, जैसा आप हम सब जानते हैं, एक खुला संसार है। अतः इस पद्धति का अर्थ किसी एक कमरे से लगाना नहीं चाहिए। सेवंथ है विकासवादी पद्धति या इवोल्यूशनरी मेथड। इसे हिस्टोरिकल मेथड भी कहा जाता है। इस पद्धति में ऐतिहासिक तथ्यों से जानकारी प्राप्त की जाती है। इस प्रणाली में निम्न दो तथ्यों का अध्ययन किया जाता है, विकास के स्तरों का ज्ञान और स्तरों में परिवर्तन के कारण। यह पद्धति पुस्तकालय पद्धति से किस ही समान हो जाती है। एट्थ है तुलनात्मक पद्धति या कंपैरेटिव मेथड। इस पद्धति के अंतर्गत दो समान विषयों की तुलना करते हैं और इन घटनाओं में समानता और विभिन्नता को स्पष्ट करते हैं। इस पद्धति का आधार तुलनात्मक है और भिन्न भिन्न जातियों, वर्गों, संप्रदायों, सांस्कृतिक प्रथाओं, धर्मों आदि की तुलना इसी आधार पर की जाती है। इसके पश्चात हम कुछ महत्वपूर्ण बातों के संबंध में चर्चा करते हैं। इस टॉपिक को, इस विषय को ख़त्म करने से पहले इससे जुड़ी हुई कुछ समस्याओं के बारे में अपन जिक्र करना चाहेंगे। प्रत्येक सामाजिक विज्ञान में शोध से संबंधित अपनी अपनी कुछ विशिष्ट समस्याएं होती हैं और यह बात समाजशास्त्रीय शोध के लिए भी स्वीकारी जाती है। समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के संबंध में विभिन्न विद्वानों द्वारा आपत्ति उठाई गई है। इसी कारण सामाजिक शोध के संबंध में कुछ समस्याएं होती हैं जिन्हें हम यहाँ पर विश्लेषित करते हैं। पहला है अवधारणाओं में स्पष्टता का अभाव। प्रत्येक विज्ञान की अपनी कुछ विशिष्ट अवधारणाएं होती हैं जिनका उस विषय के सभी विद्वान समान अर्थ में प्रयोग करते हैं। ये अवधारणाएं सामाजिक शोध को आगे बढ़ाने में योगदान देती हैं। समाजशास्त्र में इन अवधारणाओं का प्रयोग किया जाता है उनके अर्थ के संबंध में विद्वानों के मतभेद हैं। यदि किसी अवधारणा का सभी वैज्ञानिकों द्वारा समान अर्थ में प्रयोग नहीं किया जाएगा तो उससे सामाजिक शोध के मार्ग में बाधा आ जाएगी और शोध के परिणाम स्वरूप निष्कर्ष नहीं निकालेगा। इनमें वैज्ञानिकता का अभाव होगा। अभी समाज विज्ञान प्राकृतिक विज्ञानों के समान सर्वमान्य शब्दावली या अवधारणाओं का विकास नहीं कर पाया। दूसरी जो समस्या है वो आती है सामाजिक घटनाओं की जटिल प्रकृति। जटिल प्रकृति के कारण सामाजिक घटनाओं का एक और आसानी से अध्ययन नहीं किया जा सकता तो दूसरी ओर ऐसी घटनाओं से प्राप्त निष्कर्षों को प्रमाणिक नहीं कहा जा सकता। इसका कारण यह है कि किसी एक सामाजिक घटना के लिए अनेक कारण उत्तरदायी होते हैं जिनको अलग अलग करके सामाजिक घटना के घटित होने के प्रत्येक के प्रभाव को नहीं आंका जा सकता। तीसरी समस्या है वस्तुनिष्ठता की, यानी कि डिफिकल्टी इन अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। सामाजिक शोध में वैषयिकता या वस्तुनिष्ठता का विशेष महत्व होता है। इसके अभाव में सामाजिक शोध के आधार पर प्राप्त किसी भी निष्कर्ष को वैज्ञानिक निष्कर्ष नहीं कहा जा सकता। यह अनुसंधानकर्ता उस समाज, सामाजिक जीवन या सामाजिक घटना से संबंधित होता है जिसका कि वह साधारणतः वह अभिन्न अंग होता है। वह अपने आप को अध्ययन विषय से पूर्णतः अलग नहीं कर पाता। इससे उसके स्वयं के विचारों और भावनाओं अध्ययन में बाधा पहुंचाते हैं। प्राकृतिक घटना में वैषयिकता
आसानी से प्राप्त हो जाती हैं, जबकि सामाजिक घटनाओं में इसका अभाव पाया जाता है। चौथी जो समस्या है वो सुनिश्चित माप की समस्या है। सामाजिक शोध में सामाजिक संबंधों, व्यवहारों एवं मानवीय प्रकृति का मुख्य रूप से अध्ययन किया जाता है। इन सब का मापन करना संभव नहीं होता, क्योंकि ये गुणात्मक है ना कि परिमाणात्मक। सामाजिक संबंध या मानवीय प्रकृति या व्यवहार को मापना संभव नहीं। इसका कारण है कि सामाजिक घटनाओं को मापने का कोई सार्वभौमिक पैमाना विकसित नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में सामाजिक अनुसंधानकर्ता के सम्मुख कठिनाई उपस्थित हो जाती है। वर्तमान में सामाजिक घटनाओं को मापने के लिए यद्यपि कुछ पैमानों का विकास अवश्य हुआ है, परंतु वे सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत नहीं। पांचवा पॉइंट आता है इसमें प्रयोगात्मक अनुसंधान का अभाव। अभी सामाजिक विज्ञानों में प्रयोगात्मक पद्धति का प्रयोग नहीं के बराबर किया जाता है। इसका कारण यह है कि इन पद्धतियों के प्रयोग के लिए सामाजिक विज्ञानों में अभी समुचित दशाओं का अभाव पाया गया है, अतः कार्य कारण संबंध खोजने में कठिनाई होती है। छठा जो अंतिम इसमें कठिनाई है वो है प्रमाणीकरण या सत्यापन की समस्या। सामाजिक शोध के आधार पर प्राप्त किए गए निष्कर्षों की विश्वसनीयता का पता लगाना वैज्ञानिक दृष्टि से अत्यंत आवश्यक है, परंतु यह कार्य सामाजिक विज्ञानों में बहुत कठिन है, क्योंकि यहाँ जिन सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है उनकी पुनरावृत्ति करना संभव नहीं है। अतः निष्कर्षों की विश्वसनीयता का परीक्षण सामाजिक शोध की एक प्रमुख समस्या है। इस तरह हम सामाजिक शोध के संबंध में जो जानकारी प्राप्त करना चाहते थे वो संपूर्ण विषय के अंतर्गत हमारे द्वारा प्रदान की गई है। कल चर्चा करेंगे सामाजिक सर्वेक्षण के विषय पर।